Hello everyone. Today we are going to start exercise 1.1 for class 10th. Let's start it by revising Euclid's division algorithm because this exercise is totally based on Euclid's division algorithm. Okay. First, Euclid's division algorithm is a technique to find the HCF of two positive integers. Okay. हमने ये प्रीवियस पीपीटी में प्रेजेंटेशन में देखा था कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देन यू कैन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इजीली. ठीक है, फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू डिसाइड वेदर विच नंबर इज ग्रेटर. सो सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन स्टेप वन विल बी you have to apply Euclid's division lemma in such a way that you will be dividing a by b. ठीक है, आपको a number को b से divide करना है and so that you will be getting the quotient and remainder. जब भी आप dividend को divisor से divide करेंगे you will be getting quotient plus and remainder. Okay, so step 2 will be to decide whether you are getting the remainder as 0. If you are getting the remainder as 0, then B is the HCF of A and B. ठीक है, यदि आपको remainder 0 मिल रहा है, तो B जो है HCF हो जाएगा. If remainder is not equal to 0, then you have to apply the division lemma to B and R. Again, the B जो है आपका divisor, that will become dividend and remainder will become divisor. So, and you have to continue this process till you get the remainder as 0 and the divisor at last stage will be the required HCF. So let's do first question of the exercise. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. So first you have to decide which number is greater. ठीक है, यहाँ हमने देखा 225 is greater than 135. तो हम क्या करेंगे? According to Euclid's division lemma, you have to apply this lemma. A is equal to BQ plus ठीक है, सो हियर ए विल बी 225 एंड बी विल बी 135. ठीक है, दिस वन इज बी. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 225 बाय 135. व्हेन यू विल डिवाइड 225 बाय 135 देन यू विल बी गेटिंग द कोशियंट. यहां आपको जो 1 दिख रहा है दैट इज क्वोशेंट. क्वोशेंट आपको कितना मिल रहा है? 1. और रिमाइंडर जो है दैट विल बी योर 90. नाउ एज यू कैन सी दैट द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, एज 90 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन विल अप्लाई दिस डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90. तो ये जो 135 है आपका वो बन जाएगा डिविडेंड एंड दिस 90 विल बिकम योर डिवाइजर. ठीक है, अब जब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे देन यू विल बी गेटिंग द कोशेंट एज 1. कोशेंट जो है आपको 1 मिलेगा एंड द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 45. ठीक, वी कंसिडर नाउ अगेन वी कैन सी दैट द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तब तक हमको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है. ठीक है, तो हमने न्यू डिविजर आपका जो है 90 इसको हम बना लेंगे डिविडेंड एंड दिस 45 विल बिकम आवर डिविजर. ठीक है, अब यहाँ पर जब आप 45 से डिवाइड करते हैं 90 को देन इट विल बी डिवाइडेड 2 टाइम्स एंड द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. सिंस एट दिस स्टेज द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यू विल से दैट 45 जो है आपका ये जो 45 डिविजर है दैट विल बी योर एचसीएफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, 196 एंड 38,220. So when you will divide, you will compare both of these numbers. So 38,220 will be greater than 196. ठीक है, इसलिए हम A किसको मानेंगे? This will be our A and this 196 will be our B. ठीक है, ये A है और ये B है. अब आप इसे divide करना start कीजिए. जब आप 38,220 को डिवाइड करते हैं देन इट विल बी गिविंग यू द कोशेंट 195. ठीक है, आप अपनी ये कॉपीज में इसे डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल सी दैट यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडर एज 0 इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ.
सो एज द रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, द प्रोसेस विल स्टॉप, आपकी जो डिवीजन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी और आपका जो डिविजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएल, दैट विल बी 196. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 867 एंड 255. नाउ यू हैव टू डिसाइड कंपेयर द टू नंबर्स. 867 इज ग्रेटर देन 255, सो विल अप्लाई द डिविजन लेमा टू दिस. आपको क्या करना है, यू स्टार्ट डिवाइडिंग 867 बाय 255. 867 को 255 से डिवाइड कीजिए. जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशेंट मिलता है 3, एंड द रिमाइंडर जो है वो कितना मिलेगा आपको, रिमाइंडर विल बी 102. So as the remainder 102 is not equal to 0, we'll again apply the division lemma to 255 and 102. So 255 जो greater number है, that will become your dividend, and this remainder जो है आपका वो हो जाएगा 102, that will be divisor. ठीक है, again divide 255 by 102, it will be divided 2 times and the remainder will be 51. अभी भी आप देख सकते हैं कि 51 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे. अब ये जो 102 डिवीजर था, इट विल बिकम आवर डिविडेंड एंड दिस रिमाइंडर 51 विल बिकम आवर डिवीजर. अब 102 को किससे डिवाइड करेंगे, 51 से. नाउ यू गेट द क्वोशेंट एज 2 एंड द रिमाइंडर एज 0. एज द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, योर एचसीएफ विल बी, यस दैट विल बी 51. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. ओके, ऑड इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑल द इंटीजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ठीक है, ऐसे सारे इंटीजर्स और नंबर्स व्हिच विल बी डिविजिबल बाय 2 विल बी नोन एज इवन नंबर्स, और ऐसे जो कि ना होंगे उन्हें कहेंगे ऑड इंटीजर्स. सो लेट्स यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर दिस. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, पॉजिटिव इंटीजर वेयर बी इज इक्वल टू 6 लिया है हमने. हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको जिस फॉर्मेट में बताना है वो क्या है, 6q+1, 6q+3, इसलिए हमने बी को ही लिया है 6. ठीक है, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम व्हाट यू कैन राइट इज ए इज इक्वल टू 6q+r, क्योंकि बी की प्लेस पर आपने 6 को रख दिया है. नाउ ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा बी से क्या हो सकती है, छोटी. ठीक है, एंड जीरो से, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी. सो व्हेन यू विल हैव डिवीजर एज 6, यदि आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आ सकता है 0, या फिर आ सकता है रिमाइंडर 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4 और 5. 6 तो नहीं आ सकता, बिकॉज 6 यदि रिमाइंडर आएगा तो 6 से 6 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन 6. नाउ therefore a is equal to 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 and 6q+5. a को हम इस तरह से रख सकते हैं, बिकॉज r की प्लेस पे जब आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 6q, r की प्लेस पे 1 रखने पे 6q+1, r की प्लेस पे 2 रखने पे 6q+2, likewise r की प्लेस पे 5 रखेंगे 6q+5. so इतने इंटीजर्स आपको मिल गए. now you have to segregate which ones are even and which ones are odd. अब देखिए 6q जो है, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 × 3q. ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा टोटली, इसलिए ये इंटीजर तो क्या हो गया आपका, इवन. नाउ देखिए 6q+1, अब 6q जो है इट इज डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय 2, हमने इसी में देखा फर्स्ट स्टेप में. तो यदि ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें प्लस 1 कर देंगे, देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2k+1. तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑड, क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं होता 2 से. सो ऑड एज इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. नाउ अगेन यू विल सी 6q+2 में जो आपका 6q है ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, एंड ऑल्सो 2 विल बी डिवाइडेड बाय, गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा, इवन. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड 6q+3 में देखिए, ये पहला नंबर तो इवन है,
but 3 is odd, so obviously the result will be odd as it is not exactly divisible by 2. So likewise, you have to segregate which ones are even and which ones are odd. In this way, you have shown that 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 will obviously odd expressions as they are not exactly divisible by 2, and therefore any odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Let's move on to the next question. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. 616 members हैं किसी contingent में और उन्हें 32 members जो parade में हैं उनके साथ band में marching करनी है. So the two groups are to march in the same number of columns और जो दो groups बनेंगे उनको same number of columns में divide भी करना है. So what is the maximum number of columns in which they can march? So solution will be found out by calculating the HCF क्योंकि हमें maximum number of कॉलम्स बताना है. ठीक है, तो आप देखिए, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32. अगेन 616 इज ग्रेटर देन 32, सो यू विल डिवाइड 616 बाय 32 एंड यू विल अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इन इट. 616 को जब हम 32 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द कोशेंट एज 19 एंड द रिमाइंडर इज 8. ठीक है, अपनी कॉपी में आप डिवाइड करके देखिए एंड देन 32 इज इक्वल, अब जो आपका डिविजर है दैट विल बिकम डिविडेंड एंड रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर. सो 8 इंटू 4, क्वेश्चेंट विल बी 4 एंड डिविजर विल बी 8 एंड रिमाइंडर इज 0. सो एज द रिमाइंडर इज 0, आवर प्रोसेस विल गेट स्टॉप एंड लास्ट डिविजर जो होगा वो 8 है, इसलिए हमारे पास में आर्मी कंटिजेंट जो है वो 8 कॉलम्स में, प्रत्येक 8 कॉलम्स में जो है परेड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कोई भी सिंपल इंटीजर जो है 6q प्लस 1, ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में हो सकता है. यहां आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को बताना है, तो हम पहले तो यही करेंगे कि 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 दिया हुआ है, इसलिए b को ऑब्वियसली आपको क्या रखना होगा, 3. जब आपने b इज इक्वल टू 3 लिया है तब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r. नाउ अगेन व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 3 तब आपके पास रिमाइंडर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, एक तो रिमाइंडर हो सकता है 1, दूसरा हो सकता है 0, 1 एंड 2. ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास तीन तरह के इंटीजर्स बन सकते हैं, 3q, 3q प्लस 1, एक तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2. व्हेन यू विल राइट a इज इक्वल टू 3q, जब आप इसे लिखेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, तब आपके पास में नंबर क्या आएगा, 9q स्क्वायर. नाउ 9q स्क्वायर को आप इसमें 3 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, यदि आपने इसको 3 के मल्टीपल्स में लिख दिया है, नाउ 3q स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय k. यहां हमने कोई भी एक नंबर मान, कोई भी एक वेरिएबल मान लिया है, यू कैन ट्राई और टेक दिस वेरिएबल एज m एज वेल. Now again see, when a is equal to 3q plus 1, जब ये 3q plus 1 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे a plus b whole square की आइडेंटिटी से, so it will be a square, that is 9q square plus 2ab 6q plus c square. ठीक है, जब आपने किया, यहाँ पर भी आप 3 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 3q square plus 2, ये एक आपके पास में वेरिएबल बन जाएगा एंड प्लस 1 विल बी लेफ्ट to the other side, so it can be again written as 3k plus 1 या 3m plus 1, इसमें लिख सकते हैं हम square को. Next देखिए, 3q plus 2 का whole square, जब आप इसको identity लगाएंगे, then you will be getting 9q square plus 12q plus 4. अब आप 3 के multiples में इसको लिखिए और 3 and 4 को हम बाहर लिख सकते हैं, and then again 3 को मैंने अंदर common लिया है, so it is, it becomes a complete variable here, 3 multiplied by 3 and plus 1. So all the squares of integers can be written in the form of ya fir 3m ya fir 3m plus 1. For the next question, number 5th, please look for another presentation. Thank you so much.